जिले में लूट की वारदातें बढ़ने लगी है। बीती रात जेतापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के बिजल गांव के समीप रेकी कर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कियोस्क संचालक से चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। पीड़ित गणेश ने बताया वह सीता विहार कॉलोनी खरगोन निवासी होकर गोगांव में कियोस्क सेंटर चलाता है। बुधवार शाम जब वह घर लौट रहा था तभी बिजल गांव के समीप पुलिया के पास दो बाइक सवारों ने उसे रोका। उन्होंने बाइक रोकते ही मारपीट शुरू कर दी। उनके हाथ में धारदार चाकू था। गणेश के मुताबिक बदमाश उसका बैग लेकर फरार हो गए। बैग में ग्राहकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज और करीब 2 लाख रुपए थे। उल्लेखनीय है कि करीब एक पखवाड़े पहले बड़वा में भाजपा नेता के परिवार को बंधक बनाकर 11 लाख रुपए से अधिक की लूट को अंजाम दिया था। आरोपी अब भी फरार है। अब बीती रात हुई वारदात के बाद व्यापारियों एवं आम जन में भय का माहौल निर्मित हो रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या हुआ आपके साथ? ये गोगांव से मेरा पीछा करके दो लड़के आ रहे थे और ये बिजल गांव पूरी कैसे क्रॉस हुआ तो मुझे हाथ और लात से धक्का देके और मेरी गाड़ी समेत नीचे गिरा दिया यहाँ पे और मेरे पास चाकू की नोक दिखा के मेरे पास से बैग लेके भाग गए। कितना केस था आपके? कम से कम सर 1.5 लाख से ऊपर था। कहाँ रहते? मैं खरगोन सीता विहार कॉलोनी। इधर कहाँ जा रहे थे? खरगोन नहीं जा रहा था ना, घर ही जा रहा था। इधर कहाँ से आ रहे थे? इधर गोगांव से दुकान से कियोस्क सेंटर बैंक ऑफ इंडिया कियोस्क था मेरे वहाँ से आ रहा था। क्या नाम लिखते हैं आप? गणेश यादव। सर जी, किस तरह की घटना घटित हुई है? बता रहे चाकू की नोक पर लूट की घटना करने हम आज शाम को करीबन 6:30 बजे के आसपास एक गणेश नाम का व्यक्ति है, उसने जेतापुर चौकी क्षेत्र में सूचना दी है कि वहाँ उस गोगांव से वो आ रहा था, बाइक से जो आ रहा था तो उसको रास्ते में दो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति द्वारा रोका गया और उसे चाकू की नोक पर उसे उसका बैग छीन कर ले गए हैं। कितनी राशि थी? फरियादी 2 लाख बता रहा है। राशि कोई कहां से लेकर आ रहा था उसकी? फरियादी का कियोस्क सेंटर है गोगावा में, तो उसका कहना है कि उसका डेली का कलेक्शन हो जाता है इतना, वो उसे लेके अपने घर आ रहा था। अभी तक कोई क्लू सर? पुलिस लगी है जांच में, जैसे इसमें तथ्य आएंगे वैसे इसकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।